नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके कृषि यंत्र न्यूज चैनल में। कैसे हो किसान भाइयों? आशा करता हूँ सारे किसान भाई बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों आ चुके हैं एक और न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ, क्योंकि किसान भाइयों कल कुछ टोकन कंफर्म हुए हैं उनके बारे में बताएंगे। और किसान भाइयों जिनके जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर कृषि यंत्र सब्सिडी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। तो किसान भाइयों जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर भी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मल्टीक्रॉप थ्रेसर क्या होता है और किस तरह का हम मल्टीक्रॉप थ्रेसर ले सकते हैं। तो किसान भाइयों आज आपके लिए मल्टीक्रॉप थ्रेसर ही लेके आए हैं। पूरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप जो है कौन सा मल्टीक्रॉप थ्रेसर ले सकते हैं, ठीक है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ये जो है हमारा भारत किसान कंपनी का जो है हमारा एक मल्टीक्रॉप थ्रेसर है, ये टोकरी वाला मल्टीक्रॉप थ्रेसर है, ठीक है किसान भाइयों। और आप इसका सारा कुछ देख सकते हैं, इस तरह का जो है आप उस योजना में मल्टीक्रॉप थ्रेसर ले सकते हैं। और किसान भाइयों हम इसकी बात करें तो ये जो है इसको टोकरी वाला जो है मल्टीक्रॉप थ्रेसर बोलते हैं, ठीक है किसान भाइयों। ये जो जिस नाम से आता है इसको टोकरी वाला मल्टीक्रॉप थ्रेसर बोलते हैं। और किसान भाइयों इस को जो है आप ये 60 HP का भी आता है, 50 HP का भी आता है, लेकिन जो है ये जो कहते हैं ये कहते हैं कि आप इसको जो है 40 HP और 50 स्पीड का ट्रैक्टर दोनों को दोनों ही ट्रैक्टर इसको चला सकते हैं, ठीक है किसान भाइयों। दोनों ही ट्रैक्टर जो है इसको चला सकते हैं, आप इसका ओवरऑल लुक देख सकते हैं, ठीक है किसान भाइयों। और आप जो बोलते हैं कि मल्टीक्रॉप थ्रेसर क्या होता है, तो किसान भाइयों ये मल्टीक्रॉप थ्रेसर होता है ये किस काम आता है? तो किसान भाइयों ये जो है आपकी गेहूं की जो गेहूं होते हैं और जो छोटे किसान होते हैं जिनके कम गेहूं होते हैं उनको जो है इस तरह की मशीनों से ही गेहूं निकाला जाता है, ठीक है किसान भाइयों। इस तरह की मशीनों का उपयोग करके ही गेहूं को निकाला जाता है, ठीक है किसान भाइयों। उन किसान भाइयों को पता होगा जो इसको देसी भाषा में गेहूं घाने की मशीन बोलते भी होंगे, ठीक है किसान भाइयों। इसको मल्टीक्रॉप थ्रेसर बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें भी आपके दो मॉडल आते हैं। इसको जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये जो है टोकरी वाला मॉडल, मतलब इसको टोकरी वाला मॉडल बोलते हैं, ठीक है किसान भाइयों। इसका जो तो जिसमें आप गेहूं रखते हैं तो इसमें थोड़ी आसानी होती है ट्रैक्टर को भी, और जो भूसा लगाने वाला जो जो इसको नीच इसमें जो लगाता है उसको भी थोड़ी बहुत आसानी होती है, क्योंकि किसान भाइयों आसानी क्यों होती है क्योंकि इसका मुंह ऊपर की तरफ है। लेकिन जो इसमें दूसरा वाला मॉडल आता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी हम आप इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन बेसिकली ज़्यादा उसको ही पसंद करा जाता है क्योंकि वो गीले लाख में भी उपयोग होता है, जो गीला लाख होता है उसमें भी उपयोग में आ जाता है। लेकिन ये जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गीले लाख में नहीं चलता है, ये सूखे हुए लाख में ही चल पाता है, ठीक है किसान भाइयों। लेकिन जो हम दूसरा मॉडल आपको दिखाएंगे वो गीले लाख में भी प्रयोग होता है, वो ही जो है हमारे यूपी में ज़्यादातर बिकता है। ये है यूपी में नहीं बिकता, ये मध्य प्रदेश वगैरह में ज़्यादा जो है उपयोग होता है। हमारे यहाँ जो है यूपी के अंदर ये वाला जो मल्टीक्रॉप थ्रेसर है वो ज़्यादा उपयोग नहीं होता। हमारे यहाँ जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो वाला मल्टीक्रॉप थ्रेसर जो है उपयोग होता है, ठीक है किसान भाई। और आपके इसकी ब्लेड वगैरह आप सारी कुछ देख सकते हैं, ठीक है आप इसके सब कुछ देख सकते हैं, जो भी इसमें है जो भी मुझसे कवर हो पा रहा है मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है किसान भाइयों, क्योंकि आपके बाकी कमेंट ना आए। और किसान भाइयों इसमें मैं आपको जो है दूसरा मॉडल भी दिखा देता हूँ जो इसमें दूसरा मॉडल आता है, क्योंकि किसान भाइयों ये देखो आप देख सकते हैं इसका दूसरा मॉडल है, ठीक है। इसमें ये जो है ये किसान भाई कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है इसको यूपी के अंदर कुछ ज़्यादा पसंद करा जाता है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, इसको भी आप इसके भी ब्लेड वगैरह देख सकते हैं, ठीक है किसान भाइयों। और इसको अगर आपको चाहिए तो इसका प्राइस क्या है, ठीक है किसान भाइयों, हम इसका प्राइस भी बताएंगे। तो इसका प्राइस जो है आपको जो ये वाला मल्टीक्रॉप थ्रेसर है ये आपको 1,60,000 के अंदर, और जो वो दूसरा वाला मल्टीक्रॉप थ्रेसर है वो लगभग 1,30,000 के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है किसान भाइयों। ये जो आपके प्राइस हैं 60 HP वाले के प्राइस हैं, ठीक है। आप कम बढ़ती हो या आपके यहाँ ज़्यादा हो कम हो उसको मैं कह नहीं सकता, जो ये यहाँ के प्राइस है वो यहाँ के प्राइस हम बता रहे हैं, ठीक है किसान भाइयों। तो अब बता देते हैं आपको क्या टोकन कंफर्म हुए हैं, किस तरह से जो है टोकन कंफर्म हुए हैं इंस्टीट्यूट के। और किसी कृषि यंत्र पर आपको फुल रिव्यू चाहिए तो वो भी हम आपको दे देंगे। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर ले, और चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर।
तो किसान भाइयों आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो किसान भाइयों आज आपको बताएंगे कि आपके जो टोकन कंफर्म हुए हैं वो इंस्टीट्यूट वाले कौन कौन से टोकन कंफर्म हुए हैं, क्या और का लग से भी बढ़ेगा। तो किसान भाइयों जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन कर ले। और तो किसान भाइयों जो हमने कल वीडियो एक गिरा था उसमें कुछ कन्फ्यूजन रह गए हैं, किसान भाई पूरा वीडियो नहीं देखते तो हम एक बार से और उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर देते हैं। जो हमारी सोलर पंप वाली योजना है ठीक है किसान भाइयों, उसमें क्या अपडेट आया है। तो किसान भाइयों उसमें जो अपडेट आया है ना उसके आपको 18 तारीख को टोकन नहीं निकलने वाले हैं, उसमें जो है 18 तारीख तक टोकन निकलने वाले हैं। 18 के बाद कोई भी बुकिंग नहीं कर सकेगा, जिसके भी जनपद में लक्ष्य बचा हो वो जाकर अपनी बुकिंग कर ले। उसके बाद आपका जो है टोकन जनरेट नहीं होगा और बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि किसान भाइयों 18 तारीख के आप देख लो लिमिट दे रखी है कि 18 तक बुकिंग करें, उसके जो है उसके बाद जो है पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। ठीक है किसान भाइयों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पोर्टल आपका बंद कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो हमारी इंस्टीट्यूट वाली योजना है उसका जो टोकन कन्फर्म हुए हैं उसके कौन कौन से लक्ष्य बढ़े हैं और कितना लक्ष्य उसका बढ़ा है। ठीक है किसान भाई बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो किसान भाइयों उसके जो टोकन कन्फर्म हुए हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट के जो सुपर सीडर वगैरह इनके सबके दुगुना लक्ष्य हुआ है, मतलब कि जितने टोकन निकल रखे थे जितनी बुकिंग हो रखी थी वो टोटली उतना ही लक्ष्य कर देगा, जैसा हम आपको वीडियो में दिखाएंगे किस तरह का हुआ है लक्ष्य। ठीक है किसान भाई तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए जब भी आपको कुछ समझ में आ सकता है। बात करें किसी भी हम डिस्ट्रिक्ट का देख लेंगे क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में ही जो है लक्ष्य बढ़ा है। जैसे कि किसान भाइयों यहाँ देखो मलचर जो है यहाँ पर 35 BHP का आप देख सकते हैं, तो 12 जो है इन्होंने टोकन निकाल रखे थे तो 12 का ही लक्ष्य कर दिया गया, 3 सेडर के निकाल रखे थे तो इतना ही कर दिया गया, तो जितने भी टोकन थे उतना ही लक्ष्य जो है कर दिया गया है। लेकिन किसान भाइयों किस किस का करा गया, ऐसा नहीं है कि फार्म मशीनरी का भी हो गया और MB प्लाव का भी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है किसान भाइयों जिस जो जितना जिसका करना था उतना ही करा, जैसे कि रिवर्सिबल MB प्लाव का बिल्कुल नहीं करा है। ठीक है और भी बहुत सारे यंत्र हैं, बेलर है बिल्कुल भी नहीं करा है। ठीक है बहुत सारे कृषि यंत्र हैं जो बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं बढ़ाया है। क्यों नहीं बढ़ाया, इसके जो अभी कुछ नहीं आया है, अभी जो लक्ष्य बढ़ा है वो सिर्फ सुपर सीडर, हैप्पी स्पीडर, पेड़ आप देख सकते हैं यहाँ से जाके किस किस चीज का लक्ष्य बढ़ा है। सभी लगभग दो तीन चीजें दो तीन यंत्र बचे हैं जिनका लक्ष्य नहीं बढ़ा है, बाकी सबका लक्ष्य बढ़ा है। अब किसान भाई बहुत किसान भाइयों को इस चीज में बहुत अब भी कन्फ्यूजन है कि आप इनका टोकन जनरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों तो जैसे कि हमारा कोई भी टोकन कंफर्म हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पर ही किसी का खोल लेते हैं, ये हैप्पी स्पीडर है यहाँ पर इनका टोकन जो है कंफर्म हुआ है, यहाँ से अपनी एक पंजीकरण संख्या आपको लेनी है। ठीक है किसान भाई और आपको जो है यहाँ पर आ जाना है। ठीक है अनुदान पर कृषि यंत्र सोलर पंप हेतु बुकिंग करें, इस पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक नया लिंक ओपन होगा, उस पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको एक यहाँ पर मिलेगा आपको ऑप्शन, जैसे कि हमारा अभी लोडिंग दे रहा है यहाँ पर इंस्टीट्यूट योजना पर हेतु यहाँ क्लिक करें। ठीक है यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टीट्यूट योजना हेतु कृषि यंत्र टोकन जनरेट करें, इस पर आपको जैसे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको जो वो पंजीकरण संख्या हो यहाँ पर जो है को पेस्ट करके खोजे पर जैसे क्लिक करते हो आप यहाँ पर आएगा टोकन जनरेट करें, फिर आप जैसे टोकन जनरेट करें पर क्लिक करते हो यहाँ पर ऊपर आएगा एक ऑनलाइन पेमेंट करें और एक आएगा कि टोकन प्रिंट करें। तो आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करना आता है क्रेडिट कार्ड से तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वरना आप टोकन प्रिंट करें पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों तो किसान भाइयों कैसा लगा वीडियो, और किसी भी कृषि यंत्र पर आपको रिव्यू चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे कि आप किस तरह का ये कृषि यंत्र है, किस तरह का ये कृषि यंत्र दिखता है। तो किसान भाइयों कैसा लगा वीडियो, होप आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। और किसान भाइयों अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में है। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।